आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेली यूज के कुछ सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस से आज का वीडियो। जॉब मिलते ही उसके तो पर निकल आए। पर निकल आए का मतलब होता है पंख निकल आना। एज सून एज शी गॉट द जॉब शी बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। एज सून सी गॉट द जॉब शी बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। अगला सेंटेंस है, अब तो वह बहुत हवा में उड़ने लगी है। नाउ शी इज एक्टिंग टू फुल ऑफ हर सेल्फ। नाउ शी इज एक्टिंग टू फुल ऑफ हर सेल्फ। अगला सेंटेंस है, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ये एक हिंदी का मुहावरा है। इसका मतलब है कि तुम्हें जिसने सपोर्ट किया, हेल्प करी, तुमने उसी को धोखा दे दिया अपने फायदे के लिए। तो इसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं इंग्लिश का, यू बिट द हैंड डेट फेड यू। यू बिट द हैंड डेट फेड यू। अगला सेंटेंस है, हर बात पर चिकचिक करना छोड़ दो। हर बात पर चिकचिक करना छोड़ दो। स्टॉप नैगिंग अबाउट एवरीथिंग। स्टॉप नैगिंग अबाउट एवरीथिंग। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एवरी लिटिल थिंग। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एवरी लिटिल थिंग। अगला सेंटेंस है, तुम क्यों सबके सामने अपनी समस्या बताती रहती हो। ऐसे बोलते हैं ना हम कई बार कि अपने जो दुखड़े हैं तुम क्यों सबको सुनाती रहती हो, दुख भरी बातें या जो बातें मैं नहीं शेयर करनी चाहिए वो भी तुम सबको बता देती हो। तो इसके लिए एक idiom यूज किया जाता है जो हम पहले सेंटेंस में यूज करेंगे, वाई डू यू कीप वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। वाई डू यू कीप वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। या इसी सेंटेंस को अगर सिंपल वे में बोलना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई डू यू कीप शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। वाई डू यू कीप शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। और ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स इन पब्लिक। वाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स इन पब्लिक। लेकिन अगर इफेक्टिव वे में बोलना हो तो अगर हम idiom के साथ अगर इसे बोले तो बहुत इफेक्टिव वे में बोला जाएगा। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मुंह क्यों लटका रखा है। जब कोई बहुत ही सैडी अनहैप्पी सा दिखता है हमें या अपसेट सा दिखता है तो हम कई बार इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं, वाई डू यू लुक सो डाउन। वाई डू यू लुक सो डाउन। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई डू यू हैव सच अ लॉन्ग फेस। वाई डू यू हैव सच अ लॉन्ग फेस। अगला सेंटेंस है, कोई उसके कान भर रहा है। कान भरने का मतलब होता है जब हम किसी इंसान को किसी दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे करके, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब वहाँ पे इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं कि कोई उसके कान भर रहा है। समवन इज फीडिंग हिम लाइज। समवन इज फीडिंग हिम लाइज। और ऐसे भी बोल सकते हैं, समवन इज पॉइजनिंग देयर माइंड। समवन इज पॉइजनिंग देयर माइंड। यानी तुम्हारे खिलाफ कोई जहर भर रहा है कोई उसके दिमाग में। तो यहाँ पे हम दोनों सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस है, इसको तो बस अपना उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने बेनिफिट के बारे में ऑलवेज सोचना, दूसरे के नुकसान के बारे में बिल्कुल ना सोचना। तो इसके लिए हम सेंटेंस यूज करेंगे, दे जस्ट वॉन्ट टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। दे जस्ट वॉन्ट टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। और यू कैन से, दे ओनली वॉन्ट टू फैदर देयर ओन नेस्ट। दे ओनली वॉन्ट टू फैदर देयर ओन नेस्ट। एक idiom भी है। अगला सेंटेंस है, आजकल तुम बहुत जिद करने लगी हो। You have become very stubborn lately. You have become very stubborn lately. अगला सेंटेंस है, वह मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तुला हुआ के लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, hell bent. He is hell bent on ruining me. He is hell bent on ruining me. बिल्कुल ऐसे ही अगला सेंटेंस है हमारा, वह हमेशा मुझे नीचा दिखाने में तुली रहती है। She is always hell bent on putting me down. She is always hell bent on putting me down. वह हर जगह मेरा अपमान करने पर तुला हुआ है। ही इज हेलबेंट ऑन ह्यूमिलेटिंग मी एवरी वेयर। ही इज हेलबेंट ऑन ह्यूमिलेटिंग मी एवरी वेयर। अगला सेंटेंस है, मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हाउ डज इट मैटर टू यू वेदर आई एम हियर और नॉट। हाउ डज इट मैटर टू यू वेदर आई एम हियर और नॉट। तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू का मतलब मेरी कोई कीमत ही नहीं है। आई हैव नो वैल्यू इन योर आइज। I have no value in your eyes. तुम जान कर भी अनजान बनती हो। You pretend to be unaware even though you know. You pretend to be unaware even though you know. Sentence है, आजकल वह बहुत पैसा कमा रहा है। He is making a lot of money these days. He is making a lot of money these days. इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, He is earning a lot of money lately. He is earning a lot of money lately. लेकिन एक फ्रेज भी यूज किया जाता है, making a mint. इसका मतलब होता है खूब पैसा कमाना। He is making a mint these days. He is making a mint these days. अगला सेंटेंस है, मेरे पैर की नस चढ़ गई है। I have a cramp in my leg. I have a cramp in my leg.
और इसके लिए ये फ्रेज भी हम यूज कर सकते हैं चार्ली हॉर्स, जब पैर में नस चढ़ती है इसके लिए हम चार्ली हॉर्स को भी यूज कर सकते हैं। आई हैव अ चार्ली हॉर्स इन माई लेग, आई हैव अ चार्ली हॉर्स इन माई लेग। अगला सेंटेंस है, वह तो उससे बात करना चाहता था, वह तो उससे बस बात करना चाहता था, ही जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू हर, ही जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू हर। और ऐसे भी बोल सकते हैं, ही ओनली वॉन्टेड टू हैव अ कन्वर्जेशन विद हर, ही ओनली वॉन्ट टू हैव अ कन्वर्जेशन विद हर। और अगर ये हम कैजुअल बातचीत करनी हो तो यहाँ पे हम चिनवैग जो एक कॉलोकल टर्म है इसे भी यूज कर सकते हैं, ही जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ चिनवैग विद हर, ही जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ चिनवैग विद हर। तो तीनों ही बिल्कुल अपनी जगह करेक्ट है। अगला सेंटेंस है, उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, someone has hexed him or her, someone has hexed him or her। और ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं, someone has put a curse on him or her, someone has put a curse on him or her। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसे, someone has cast a spell on him or her, someone has cast a spell on him or her। ये तीनों ही बिल्कुल अपनी जगह करेक्ट सेंटेंस है, तीनों में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। सेंटेंस है, अपनी पत्नी के सामने उसकी एक नहीं चलती, ही कांट एसर्ट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ, ही कांट एसर्ट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। और यू कैन से, ही हैज नो से इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ, ही हैज नो से इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ, यानी अपनी वाइफ के सामने उसके शब्द ही नहीं निकलते। अगला सेंटेंस है हमारा, वह तो जोरू का गुलाम है, इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज होता है, प्रॉपर फ्रेज यूज होता है, हैंडपैक्ड, ही इज अ हैंडपैक्ड हस्बैंड, He is a handpacked husband। उसे झूठी तसल्ली मत दो, Don't give him or her cold comfort, Don't give him or her cold comfort। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम, Don't give him false reassurance, Don't give him false assurance। अगला सेंटेंस है, आज सुबह से ही मेरी आँख फड़क रही है, My eye has been twitching since this morning। आँख फड़कने के लिए बोलते हैं twitching। My eye has been twitching since this morning। या ऐसे भी बोल सकते, I have had an eye twitch since this morning, I have had an eye twitch since this morning। ये थे हमारे आज के कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।